नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। जनपद पंचायत के समाज कल्याण विभाग ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामान्य प्रशासन के बैठक के दिन से क्षेत्र के दिव्यांगों को उपकरण का वितरण किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को उपकरण का वितरण किया जाना था, किंतु कोरोना काल का ध्यान रखते हुए पाली में दिव्यांगों को बुलाकर उपकरण दिया गया। जनपद पंचायत दिभोग के सामान्य सभा में प्रस्ताव बनाकर जिले से 200 से अधिक उपकरण की मांग की गई थी, जिसमें जिला समाज कल्याण विभाग ने 12 दिव्यांगों के लिए मोटराइड ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भेजे। प्रथम पाली में सामान्य प्रशासन के बैठक के दिन से जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल एवं अन्य सदस्यों के द्वारा 8 उपकरण का वितरण किया, तो शेष को दूसरी पाली में जनपद उपाध्यक्ष सुक्षण बेसरा और सदस्य असलम मेमन सहित अन्य सदस्यों ने वितरण किया, जहां जनपद पंचायत के CEO ML मांडवी की उपस्थिति में अध्यक्ष नेहा सिंघल तथा अन्य सदस्यों ने सीनापाली के पुरंदर साहू, देवभोग के खीर सिंधु, निष्टिगुड़ा के नीलकंठ, कोकसरा के विवेक नंद को मोटराइड ट्राईसाइकिल तथा लक्ष्मी को ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। तो वहीं SDM अनुपमा सिस्टोपो की उपस्थिति में उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा और सदस्य असलम मेमन के हाथ सुकली भाटा नवीन के लोवो राम को मोट राइड ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। इसी प्रकार मुंगिया के भास्करो, लाटापाड़ा के नीराबाई और झीरी पानी के गिरिवर माझी को बैसाखी दिया गया। जनपद सामान्य प्रशासन ने पेंशन प्रकरण को महत्व देते हुए 285 हितग्राहियों को लाभान्वित करने प्रस्ताव किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखद सहारा के 90, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन के 179, राष्ट्रीय परिवार सहायता के 16 प्रकरण शामिल है। जनपद पंचायत में दिव्यांगों को किस तरह से उपकरण वितरण किए गए? हमारे यहाँ जनपद पंचायत देवभोग में पूरे ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों से दिव्यांगों की सूची आती है। उस सूची में जो पात्र हितग्राही होते हैं और उनको जिस सामान की ज़रूरत होती है, उस सामान की सूची के लिए हम जिला पंचायत भेजते हैं। सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तावित करते हैं पात्र हितग्राहियों की सूची। अभी तक के कितने दिव्यांगों को वितरण किए जा चुके हैं? हमने भेजा तो 215 लोगों की सूची थी अलग अलग सामानों की, जिसमें 13 लोगों को मोटराइज ट्राइसिकल के लिए भेजा गया था, क्योंकि हमारे देहों में फर्स्ट टाइम मोटराइज ट्राइसिकल उपलब्ध हुई है। 13 में 12 लोगों को भेजा गया है सूची के आधार पे, तो इनको एक एक करके जैसे आते जा रहे हितग्राही वैसे दिया जा रहा है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, भीड़भाड़ ना करते हुए, जैसे हितग्राही आ रहे हैं उनको उनकी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, दी जा रही है। देवभोग से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।